मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सोमवार को ग्रामीण स्ट्रीट वेंडर्स ऋण वितरण कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस दौरान अपने संबोधन में सीएम ने कहा कि सुदखोरों के लिए हम कानून बना रहे हैं, जिसमें ऐसे प्रावधान किए जाएंगे कि गरीबों को लूटने के लिए दिया गया लोन वापस नहीं करना पड़ेगा। सरकार जो दर निर्धारित करेगी केवल वही मान्य होगी। इसके अलावा बिना लाइसेंस वाले सुदखोरों पर सख्त कार्रवाई होगी। ग्रामीण स्ट्रीट वेंडर्स ऋण वितरण कार्यक्रम पर बोलते हुए सीएम ने कहा कि ये कार्यक्रम आत्मनिर्भर भारत, आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश की ओर सरकार के बढ़ते कदम का परिचायक है। इसके तहत 20,000 हितग्राहियों को 10,000 रुपए का ब्याज मुक्त ऋण का वितरण किया गया। मिंटो हॉल में आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग ने किया, जिसमें मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया और राम खेलावन पटेल भी मौजूद रहे। इसे शहरों के मास्टर प्लान में हॉकर्स के लिए हॉकर्स कॉर्नर अलग जगह बैठ के अपना धन ढंग से काम धंधा कर सके, इसकी व्यवस्था करें। गांव के बाजार इत्यादि ठीक हो, उसका अभियान पंचायत ग्रामीण विकास विभाग ने चलाया है। आगे ऐसी योजना बनाए कि जो ग्रामीण स्ट्रीट वेंडर है, अगर उसके पास गुलटी नहीं है, कोई जगह नहीं है, तो हम बना के उसको वहां बेचने की सुविधा दें, ताकि अपना सामान छोटा मोटा बेच सके। फेरी लगा के भी बेचने वाले होते हैं, गांव गांव जाते हैं साइकिल से, दूसरे साधन से। हम तो छोटे छोटे तब आए, आइसक्रीम वाला आता था पेटी रख के साइकिल, और एक वो बनती थी बर्फ वैसे निकाल के, क्या कहते थे उसको, रंग रंग डालते थे उसमें, गोला, बर्फ का गोला। वो बर्फ का गोले वाला आया और दौड़े घर से निकल निकल के, चलो बर्फ का गोला आ गया। ऐसे एक नहीं, कितने काम धंधे। अब मनिहारी की दुकान गांव में तभी भी चूड़ी वाला आता है, कई बार गांव में घूमता है, चूड़ी बेचने का काम करता है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मीडिया से चर्चा करते हुए पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के ट्वीट पर पलटवार करते हुए कहा कि कांग्रेस नेताओं को तो ट्वीट करने का अधिकार ही नहीं है, ये तो बच्चों से ढोर चरवा रहे थे और बैंड बाजे बजवा रहे थे। जिन्होंने युवाओं को तबाह कर दिया, उन्हें सवाल पूछने का कोई अधिकार नहीं है। प्रदेश की भाजपा सरकार ने कोई योजना बंद नहीं की, बल्कि योजना के स्वरूप में बदलाव किया है, जिससे ज़्यादा युवाओं को रोजगार मुहैया कराया जा सके। ट्वीट कर रहे हैं, इनको तो अधिकार ही नहीं है, ये तो बच्चों से ढोर चरवा रहे थे, बैंड बजवा रहे थे। इनने तो योजना को वैसे ही ठंडे बस्ते में डाल दिया था। बता दें कितने दिए इनके समय, जिनने युवाओं को तबाह कर दिया वो सवाल पूछ रहे हैं। योजना बंद नहीं की गई, योजना के स्वरूप में परिवर्तन का विचार अभी चल रहा है, उस पर हम एक्सरसाइज कर रहे हैं, क्योंकि युवा उद्यमी जैसी योजना में हमने बनाई थी इसलिए कि जो टैलेंटेड यूथ है, जिसमें क्षमता है, टैलेंट है, वो अपने स्टार्टअप को अपने टैलेंट का इस्तेमाल करके शुरू करके और उद्योगपति बन सके। लेकिन जब विश्लेषण किया तो पता ये चला कि पहले से ही स्थापित जो परिवार होते थे, उन्हीं परिवारों में से किसी और को इसका लाभ मिल जाता था ज्यादातर मामलों में। तो मुझे लगा कि योजना की एक रीडिजाइनिंग जरूरी है, जिससे जरूरतमंद को, क्षमतावान को, जिसमें टैलेंट है, जो अपनी इंडस्ट्री खड़ी कर सकता है, ऐसे युवाओं को भी लाभ मिले। इसलिए हमने अभी ये कहा है कि इसको एक बार फिर से बनाते हैं। जहाँ तक रोजगार की योजनाओं का सवाल है, हर महीने दो दो बार, आज ही आपने देखा स्ट्रीट वेंडर वाली योजना, फिर महिला स्व सहायता समूह के खाते में पैसा जाएगा, बाकी लोन जारी है। इस योजना को रीडिजाइन करके और बहु उपयोगी कैसे हो सकती है, इस दिशा में हम एक्सरसाइज कर रहे हैं, ताकि आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के लिए युवा उद्यमी मध्य प्रदेश की धरती पर हम मध्य प्रदेश के बच्चों को खड़ा कर सकें। लेकिन इसके साथ ही रोजगार देने के बाकी उपायों पर काम चल रहा है। अभी पिछले 10 दिन में 2 बड़ी फैक्ट्रीज का मैंने उद्घाटन किया। ग्रामीण पथ विक्रेताओं के लिए सामूहिक ऋण वितरण का ये तीसरा अवसर है। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री द्वारा कुछ जिलों के हितग्राहियों से वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से संवाद भी किया गया।
मुख्यमंत्री ने रायसेन जिले के सांची ब्लॉक स्थित सलामतपुर में स्ट्रीट वेंडर योजना के हितग्राही नारायण सिंह तथा पान सेमल की मंगलाबाई से भी संवाद किया। भोपाल से मोहम्मद सलमान की रिपोर्ट।